तो मार्केट में सबसे पहले डिजो ने लॉन्च किया था अपने डिजो वॉच, उसके बाद डिजो वॉच 2 आया था और एक नया स्मार्ट वॉच आने वाला है डिजो वॉच 8। एंड उसका जो डायल है वो आपको राउंडेड शिपिंग देखने के लिए मिल जाएगा, मतलब इसका पहले जो भी स्मार्ट वॉच डिजो ने लॉन्च किया वो आपको स्क्वायर शिपिंग देखने के लिए मिल जाता है, बट इस बार आपको राउंडेड डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाएगा। क्या स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स, प्राइसिंग, लॉन्च डेट, इन लिस्ट में बात करेंगे सभी चीज के बारे में, तो स्किप मत करना, तो बहुत कुछ जानकारी मिस कर जाओगे। सो हे गाइस, इट्स मी राजदीप, यू आर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डिजाइन के बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, आपको राउंड डिस्प्ले का देखने के लिए मिल जाएगा। एंड जो क्वालिटी होगा वो आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाएगा, इसके पहले TFT डिस्प्ले मिलता था, इस बार आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये पर एक बिग अपग्रेड आप मान सकते हो, वो भी डिजो की तरफ से। तो स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, इसका आपको 1.3 इंच की अल्ट्रा एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाएगा। तो मैंने आपको बताया एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा, जो डिस्प्ले का साइज है मैं सही बोलूंगा 125% हायर रेजोल्यूशन आपको इसका देखने के लिए मिल जाता है। बिल्ड क्वालिटी बात करो तो इसका आपको बिल्ड क्वालिटी प्रीमियम मेटल फ्रेम का देखने के लिए मिल जाएगा। 2.5D कर्व डिस्प्ले होने वाला है, 9.9 फिल्म बॉडी होने वाला है, तो इसका जो बिल्ड क्वालिटी वगैरह है, जो फिल्म जो थिकनेस है आपको ठीक ठाक देखने के लिए मिल जाएगा, पतला ही होगा नॉर्मली। 150+ टाइलिस वॉच फेसेस मिलेगा एंड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का एक फीचर भी देखने के लिए मिल जाएगा। पुराने वाला स्मार्ट वॉच पर 100+ तो इसके अंदर आपको 150+ देखने के लिए मिल जाएगा। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो फीचर हो आपको मैं रिकमेंड करूँगा टर्न ऑफ रखने की, क्योंकि अगर उसको ऑन करोगे तो ज़्यादा बैटरी बैकअप कंज्यूम कर लेता है, क्योंकि इसके अंदर आपको 12 डेज की बैटरी बैकअप देखने के लिए मिल जाएगा। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को यूज़ करके अगर यूज़ करोगे तो अराउंड 7 दिन तक आपके पास शायद चल सकते हैं। तो बैटरी बैकअप वगैरह भी मैं सही बोलूंगा, हार्ट रेट मॉनिटरिंग देखने के लिए मिल जाएगा, SPO2 देखने के लिए मिल जाएगा, 110+ स्पोर्ट्स मोड देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस मेरे को काफ़ी सही लगा, नॉर्मली हम लोग 10-20 स्पोर्ट्स मोड यूज़ नहीं करते, यहाँ पर आपको 110 मिल जाता है। तो एडवांस्ड स्पोर्ट्स मोड आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। 5 ATM के वाटर एफिशिएंसी देखने के लिए मिल जाता है, मीन्स आपको 50 मीटर डीप तक लेकर जा सकते हो। कुछ अलग अलग फीचर भी देखने के लिए मिल जाएगा, स्मार्ट फीचर फॉर एग्जाम्पल हो गया स्मार्ट नोटिफिकेशन, कैमरा कंट्रोल, म्यूजिक कंट्रोल एंड डिजो का एक ऐप भी देखने के लिए मिल जाएगा, डिजो ऐप 2.0। उसको डाउनलोड करना होगा, फिर इसको पेयर करना होगा, फिर उसके बाद वॉच फेसेस वगैरह एंड अदर अदर जो फीचर्स है लाइक SPO2 वगैरह आप लोग हर एक चीज़ चेक कर सकते हो अपना स्मार्टफोन को, मतलब स्मार्टफोन के अंदर। तो यही कुछ स्पेसिफिकेशन आपको डिजो वॉच 8 का अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, और एक डिजो का स्मार्ट वॉच आने वाला है, डिजो वॉच 2 स्पोर्ट्स स्पेशल एडिशन। इसका अभी तक लिंक्स में नहीं मिला फिलहाल मेरे को, बट आने वाले उसके ऊपर मेरे चैनल वीडियो आ जाएगा। एंड लॉन्चिंग के पहले और एक डिटेल वीडियो ला दूंगा मैं डिजो वॉच 8 के बारे में, ताकि आपको पूरा सा अच्छे से अंदाजा हो जाए कि आपको बाय करने की जरूरत है या फिर नहीं। तो नाम इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि सब्सक्राइब फ्री होता है एंड इस वजह से आपका कुछ भी हेल्प होता है एक लाइक कर देना। इसलिए अगर प्राइस पॉइंट की बात करूँ, जो स्पेसिफिकेशन देख के जो लगता है मेरे को, पिछले वाला डिजो वॉच 2 जो था उसका प्राइसिंग अभी आपको 2500 फ्लिपकार्ट में देखने के लिए मिल जाएगा। इसका प्राइसिंग मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि 3000 के अंदर होना चाहिए। अगर 3000 के अंदर डिजो इसको मार्केट में लाएगा तो काफ़ी तगड़ा स्मार्ट वॉच होने वाला आपके लिए, हर एक चीज़ मिलता है। स्मार्ट वॉच में मेन डिस्प्ले होता है, उसके बाद बैटरी बैकअप होता है, उसके बाद वाटर रेजिस्टेंस वगैरह होता है, तो हर एक चीज़ आपको अच्छा देखने को मिलता है इसके अंदर। अगर 3000 रुपीज़ के अंदर आता है तो आपके लिए एक बेस्ट डील होने वाला है फ्रॉम डिजो। आई होप इन दिस वीडियो, मीटिंग नेक्स्ट वीक, देन टेक केयर एंड स्टे सेफ।